में इंसान के मंच पर सेमीफिनाले में प्रवेश का चल रहा है युद्ध। आज भी हैं चार दावेदार आमने सामने। पटना से शालिनी सिन्हा, कानपुर से शिखा शुक्ला, गाजियाबाद से सरिता शर्मा, खींच ले अब ते ही से रजाए, उंघाई में तोहरा आगिला गुना, और दरभंगा से प्रियंका बुबना। इस घमासान में सेलिब्रिटी शेफ राकेश सेठी देंगे एक नया ट्विस्ट। तो टीवी के सामने रहिए फिट और देखते रहिए बिग मेन साम सीजन 6। गंगा के दर्शकों को विनय आनंद का नमस्कार। आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। हाजिर हूँ लेकर वो शो जहाँ मेम साहब दिखाते हैं हुनर की ऐसी उड़ान जिसे देख दुनिया रह जाती है हैरान। उस शो का नाम है एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 6, प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, पावर्ड बाय पायलट टॉप स्पिन, को पावर्ड बाय मोहिनी चाय, एसोसिएट स्पॉन्सर कैच सॉल्ट एंड स्पाइसेस, ब्यूटी पार्टनर सुपर वेस्ट मॉल 33, केश काला, ज्वेलरी पार्टनर सेंको गोल्डन डायमंड्स, हेल्थ पार्टनर डाबर दशमला रेश। आज से शुरू होगा क्वार्टर फाइनल का दूसरा मुकाबला। गाला राउंड में 32 मेम साहब के बीच 8 हफ्ते तक चले मुकाबले के बाद मिली 8 क्वार्टर फाइनलिस्ट मेम साहब, जिनमें पहली 4 क्वार्टर फाइनलिस्ट मेम साहब के बीच पिछले हफ्ते शानदार मुकाबला हुआ। मिली 3 सेमी फाइनलिस्ट मेम साहब, इस हफ्ते बाकी की 4 क्वार्टर फाइनलिस्ट मेम साहब के बीच सेमी फाइनल में जगह बनाने के लिए जोरदार घमासान होगा। उसके पहले जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे शो की जजेस रश्मि देसाई जी और मधु शर्मा जी, और अब उनका स्वागत करने को हो जाइए तैयार जिन्होंने ऑडिशन से लेकर गाला राउंड की शुरुआती मुकाबले में अपना नाम का डंका भजवाया और अपने जैसी कई धुरंधरों को पीछे छोड़ क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बड़ बाजार दरभंगा की प्रियंका बुबना जी का। कैसी हैं प्रियंका जी? बहुत अच्छी। बहुत अच्छा लग रहा है आपको वापस यहाँ देखकर? बिल्कुल सर, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ वापस आकर। क्या करने वाली हैं आप आज? तो मैं सब कुछ ही करूँगी जितना राउंड है, बट आज कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि जितनी भी मेम साहब हैं सबसे मैं आगे जा सकूँ, अपना नंबर सबसे ऊपर रख सकूँ, और मुझे खुद पर विश्वास है मैं कर जाऊँगी, आगे बढ़ जाऊँगी। बहुत बढ़िया।
अब स्वागत करते हैं गर्दनीबाज पटना की शालिनी सिन्हा जी का। अच्छा लग रहा है, सच्ची बता रहा हूँ कि आप लोग मेहनत करके फिर आ गए हैं, कुछ कमाल करने वाली हैं आज आप। बाकी की तीन मेम साहब दिख रही हैं, ये भी बहुत जबरदस्त वाली हैं। तो आप समझ रही हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं समझ रही हूँ। तो तैयारी की है आपने? बिल्कुल, बहुत मेहनत की है मैंने। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। और अब स्वागत करेंगे कदवई नगर कानपुर की शिखा शुक्ला जी का। कैसी हैं शिखा जी? बहुत अच्छी, आप कैसे हैं? बस बढ़िया हूँ। और दोनों मेम साहब का आपने स्टेटमेंट तो सुन लिया होगा। बिल्कुल, कि एकदम तैयारी के साथ हैं और काफी पॉजिटिव लग रही हैं। तो आपका क्या विचार है? मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी, मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं, मैं पूरी महफिल के बराबर हूँ। इसी बात पे मेरे दादाजी ने एक कुछ लिखा था और वो सहारे पर था कि सहारा जो गैरों का तकते रहे, सहारा जो गैरों का तकते रहे, वो तस्वीर बन के लटकते रहे। और अब आइए मिलते हैं शालीमार गार्डन गाजियाबाद की सरिता शर्मा जी से। सरिता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। क्या विचार बनाया आपने? सर बस फाइनल जीतने का ही विचार बनाया है। जैसे तीनों मेम साहब टक्कर पे हैं, वैसे मैं भी पूरी टक्कर पे हूँ। हरा देंगी आप तीनों को? सर बिल्कुल, कोशिश यही रहेगी, अगर मैं हराऊंगी नहीं तो आगे कैसे जाऊंगी। वेरी नाइस, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। रश्मि जी आप क्या कहना चाहेंगी चारों को? चारों ही बहुत जोश में आई है, सब अपनी तरफ से बेस्ट करना चाहती है, एक से बढ़ के एक बातें बता रही है। तो जब वो तो राउंड शुरू हो गए, वन बाय वन जब आप परफॉर्म करना शुरू हो गए, तभी हमें भी पता चलेगा, क्योंकि आपकी बात सही है। एक बार फिर आप सिर्फ दो कदम की दूरी पे है और दो कदम की दूरी इतनी आसान नहीं है, सो प्लीज़ गिव योर बेस्ट। मधु जी आप क्या बोलना चाहेंगी हमारी कंटेस्टेंट्स को? मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि अभी आप लोगों की टक्कर बेस्ट लोगों से है, सारे के सारे यहाँ जीतने आए हैं, सो यू हैव टू गिव योर बेस्ट, ऑल द बेस्ट। आप सबको बता देना चाहूंगा कि बिग मेम साहब सीजन 6 की विजेता को हमारी ज्वेलरी पार्टनर सेंको गोल्ड एंड डायमंड की तरफ से मिलेगा 1.5 लाख रुपए की ज्वेलरी। क्वार्टर फाइनल में पहुंची इन चार मेम साहब के बीच आज और कल यानी शनिवार और रविवार को सेमीफाइनल के लिए मुकाबला होगा। दोनों दिन के परफॉर्मेंस के आधार पर जिन तीन को मिलेंगे सबसे ज्यादा मार्क्स वो सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी और एक मेम साहब इस मंच से विदा हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने उस राउंड के साथ जहाँ मेम साहब अपनी अदाओं की हिप हॉप से सबके होश उड़ाती है। और इस राउंड का नाम है सुपरस्टार मेम साहब, स्पॉन्सर्ड बाय एक्सपर्ट डिशवॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पहला राउंड सुपरस्टार मेम साहब। इस राउंड में चारों मेम साहब को हमारे दोनों जजेस की ओर से मिल सकता है 10 और 10 यानी 20 मार्क्स। जिसका जैसा परफॉर्मेंस होगा उन्हें मिलेंगे उतने मार्क्स। तो अपने डांस से रंग जमाने सबसे पहले आ रही हैं शालिनी सिन्हा जी।
रश्मि जी, अपनी स्टाइल में बोलूं तो किलर था। एकदम प्योर मजेदार लैंग्वेज में बोलूं, जिला टॉप किया आपने। yes. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, मुझे एकदम बहुत, मतलब मेरी आँख नहीं हट रही थी। और वो सारे लुक और साड़ी में इतना कंफर्टेबल, मुझे तो अब छुपी रुस्तम निकली है लास्ट टाइम से, अब खुल के निकली है। yes. बहुत अच्छा, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मधु जी, शालिनी जी, वेरी नाइस, बहुत अच्छा आपने डांस किया, एकदम ब्लैक ब्यूटी लग रही हैं आप ब्लैक साड़ी में। थैंक यू मैम। आप इतनी कंफर्टेबल हैं साड़ी में और आपका डांस आप इतना एंजॉय करती हैं विद एक्सप्रेशन विद एवरीथिंग, मतलब आपसे तो सच्ची नज़र ही नहीं हटती है। यू आर रियली वेरी गुड, सुपर्ब। थैंक यू मैम। आई डांस के जलवे दिखाने की अब बारी है दरभंगा की प्रियंका बुबना जी। वाह प्रियंका जी, वाह, क्या जोश में हैं आप। थैंक यू सर। आपका ये जोश देख के मुझे पूरा विश्वास है कि बाकी के तीन मेम साहबों का होश उड़ रहा है। तो जजेस कैसा लगा आपको मधु जी? प्रियंका जी, आपकी एनर्जी लेवल बहुत अच्छी थी, पर मुझे खोई खोई लगी आज आप। जो लास्ट टाइम मुझे आपके डांस में बहुत मज़ा आया था, वो मुझे थोड़ा मिसिंग लगा। मुझे समझ में नहीं आया क्यों आप खोई खोई थी आज, आपको और कॉन्फिडेंट रहना चाहिए था। आप क्वार्टर फाइनल में आ चुकी हैं और लिरिक्स छोड़ रही थी आप, कहीं पकड़ रही थी कहीं छोड़ रही थी, तो वो थोड़ा डिस्टर्बिंग लग रहा था मुझे, क्योंकि कभी भी कंटिन्यू अगर आप गाना गाते हैं, आपको भोजपुरी नहीं आती? नो मैम। शायद इसीलिए, क्योंकि आप काफ़ी जगह लिरिक्स छोड़ रही थी और मुझे वो थोड़ा सा खटक रहा था। रश्मि जी, आपने डांस अच्छा किया, भूल जा रही थी बीच बीच में, फिर पिकअप कर रही थी, फिर कॉन्फिडेंटली उसको कंटिन्यू कर रही थी, घबराई हुई काफ़ी थी आज आप। नो मैम। जो भी है, शायद आपको अनवेल लग रहे हो या कुछ भी है, तो प्लीज़ आप वापस आ जाओ, क्योंकि आपको हमने देखा हुआ है, आप बहुत अच्छा करती हैं, अगली बार अगले राउंड में ध्यान रखिएगा। आइए डांस के जलवे दिखाने की अब बारी है कानपुर की शिखा शुक्ला जी की।
मधु जी। शिखा जी, मुझे आपके स्टेप्स थोड़े क्लमजी लगे, नीट नहीं थे। बाकी गाना अच्छा सेलेक्ट किया था आपने, और आपका ट्रैवलिंग स्टेज पे यहाँ से वहाँ वहाँ से वो मुझे सब अच्छा लगा। अगर थोड़ा सा नीट होता ना तो माइंड ब्लोइंग होता आपका परफॉर्मेंस। ओके मैम। तो रश्मि जी, मुझे ना आप वो फिल्मों में नहीं होता सरसों के खेत में हीरोइन आई ऐसे लहराई और कुछ जुल्फे उड़ी और चली गई, मैंने बस वही देखा, आप इतनी सुंदर लग रही थी। थैंक यू मैम। डांस मधु जी ने जैसे कहा वो सही है, पर लेकिन आप दिख इतनी सुंदर रही थी कि मेरी नज़र ही नहीं हट रही थी। क्या बात, आइए शिखा जी। और अब अपने डांस से धमाल मचाने आ रही हैं गाजियाबाद की सरिता शर्मा जी। रश्मि जी, मुझे आपसे कंप्लेन है, हमने ये ऐसे डांस करते हुए आपको पहले देखा है और इससे बेहतर किया है एक्चुअली आपने, तो आपने तो मेरी उम्मीद पे थोड़ा पानी फेर दिया। एक्चुअली मैम प्रॉब्लम ये भी है कि एक तो मेरे को भोजपुरी बहुत कम समझ में आती है, और सेकंड ये गाना सिर्फ इतना ही दिया, मुझे नहीं पता कि क्यों दिया। आपने पहले इससे बेहतर किया तो हम आपसे उम्मीद काफ़ी रखते हैं, आगे के राउंड में आप अगर कवर अप कर लेंगी तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मधु जी। सरिता जी, आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू सी योर डांस, मैं वेट कर रही थी आपके डांस के लिए। सरिता जी आएंगी तो कुछ ना कुछ कमाल ही करेंगी, और आई डोंट नो क्यों इतना छोटा गाना मतलब लगा कि मुझे समझ में ही नहीं आया, इट वॉज वेरी स्मॉल। और आज आप भी मूवमेंट्स कंप्लीट नहीं कर रही थी, आपके जो हाथ के इतने खूबसूरत मूवमेंट्स होते थे पिछली बार मैंने देखा था, इतने प्यारे डेलिकेट मूवमेंट्स आप करती हैं, आज वो सब नहीं था। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए नेक्स्ट जितने भी राउंड्स हैं उसमें अपना बेस्ट दीजिए, इसके जो मार्क्स है वो आपको वहाँ कवर अप करने पड़ेंगे। यस मैम, बिल्कुल आइए। इसी के साथ सुपरस्टार मेम साहब राउंड पूरा हो चुका है, लेकिन इस राउंड का स्कोर हम सारे राउंड्स के बाद एपिसोड के अंत में बताएंगे। चारों मेम साहब के अभी कई अंदाज देखना बाकी है, तो भूल के हर गम कीजिए खुद से इश्क, और देखते रहिए एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 6 प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, पावर्ड बाय पायलट टॉप स्पिन, को पावर्ड बाय मोहिनी चाय। Welcome back to Export Big Mem Saab Season 6 presented by Horlicks, powered by Pilot Top Spin, co-powered by Mohini Chai. Season 6 के दूसरे क्वार्टर फाइनल का मुकाबला जारी है, और अब हम आ गए हैं अपने उस राउंड में जहां मेम साहब दिखाती हैं अपने हाथों का जादू, और उस राउंड का नाम है किचन क्वीन, स्पॉन्सर्ड बाय कैच सॉल्ट एंड स्पाइसेस, 100% इंडियन वुमेन का मैच, सिर्फ कैच। तो आइए शुरू करते हैं हमारा अगला राउंड, किचन क्वीन। Hey
इस राउंड में चारों मेम साहब अपनी कुकिंग का हुनर दिखाएंगी और इनके इस हुनर का टेस्ट लेंगे देश दुनिया के जाने माने हम सब के चहेते सुपर शेफ राकेश सेठी जी। राकेश जी आपका बहुत 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 स्वागत है एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 6 के मंच पर। और राकेश जी मैं खुद आपका फैन हूँ, उसका कारण ये है क्योंकि मैं खाने का बहुत बड़ा फैन हूँ। बिग मेम साहब 6 के सभी कंटेस्टेंट्स और हमारे दर्शकों को राकेश सेठी का स्वाद भरा नमस्कार। और मैं भी देख रहा हूँ कि ये काफी मेहनत कर रहे हैं और इस स्टेज तक अगर आए हैं तो जरूर इनमें कुछ ना कुछ है। बिल्कुल, और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि सब समझ रहे हैं, आपको देख रहे हैं, तो जरूर आप आज कुछ इन्हें स्पेशल बनाने के लिए देंगे, तो आज आप इन्हें क्या बनाने के लिए बोल रहे हैं? यहाँ पे कोई आग या ओवन या मिक्सी किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करना था, तो हमने इनके लिए ड्राई कुकिंग का इंतजाम किया है। और उसमें जो डिश हमने इनको बनाने के लिए आज दी है उसका नाम है ब्रेड भल्ला। ब्रेड भल्ला, हाय अल्लाह, वाह। तो इस राउंड में जिस मेम साहब की ब्रेड चाट होगी टेस्ट में बेस्ट, उन्हें राकेश सेठी जी देंगे 10 मार्क्स और हमारी दोनों जजेस की तरफ से उन्हें मिलेंगे 5-5 अंक और इसके लिए मिलेगा सिर्फ 10 मिनट। चारों मेम साहब तैयार हैं और आप लोगों का समय शुरू होता है अब। स्टार्ट। आई सर, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? चटपटी चीज है तो इसमें दो तरह के तो चटनियां हैं, सौंठ की चटनी है और पुदीने की चटनी है। साथ ही में इसमें चना है, आलू है और कुछ कैच के बढ़िया मसाले हैं जिनसे ये डिश और भी निखर कर आएगी। नो डाउट कैच के ये मसाले जो हैं ये वाकई में टेस्ट को और ज्यादा टेस्टी कर देते हैं। देखिए, मैं मानता हूँ कि नारी जो है वो एक इनबॉर्न टैलेंट लेके पैदा होती है कि उनको ये खाना बनाना तो कुदरती तौर पर ही आता है। करेक्ट, और माँ से बेटी सीखती हुई आई हैं जी। तो ये जो टैलेंट है इनके अंदर खाना बनाने का बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है क्योंकि इनके लिए बाएं हाथ का काम है जी। सेठी जी, आपका इतना एक्सपीरियंस है, आपके हिसाब से अभी तक ऐसी कौन सी मेम साहब है जो थोड़ी फास्ट है और कुछ इंटरेस्टिंग आपको लग रहा है कि ये कुछ? देखिए, सबसे फास्ट जो मेरे ख्याल कानपुर की शिखा जी खड़ी है। इन्होंने ऑलरेडी ब्रेड के अंदर फिलिंग डालनी शुरू कर दी और बाकी लोग अभी सिर्फ फिलिंग बना रहे हैं, तो यहीं से पता लगता है कि कैसे कोई जल्दी से ग्रैस्प कर लेता है और आगे बढ़ जाता है। तो आई थिंक बाकियों को भी बकअप होना चाहिए और जल्दी से बनाना चाहिए क्योंकि आपका समय जो है वो घड़ी टिक 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 बढ़ती जा रही है। 24/7 घर का काम करना, परिवार वालों का दिल खुश करना, बच्चों का, पति का, अपना, सबका खाना बनाना, अगर वर्किंग लेडी है तो और भी ज्यादा। तो ये जो सैक्रिफाइस हमारी नारियां घर पे करती हैं, आई थिंक ये काबिले तारीफ तो है ही जी, पर बनता है कि हम इन्हें सैल्यूट भी करें क्योंकि ये कोई आसान काम नहीं है। सही बात है, नहीं तो हम लोग बोर हो जाते हैं। जैसे मैं, मेरी वाइफ अगर कोई एक ही चीज बनाए ब्रेकफास्ट, अरे क्या तुम रोज एक ही चीज बना रही हो, चेंज करो। दिस इज वेरी कमेंडेबल जॉब जो ये घर पे करती आई हैं। और आपने जो ये आज ये रेसिपी दी है बनाने के लिए, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, जिन्हें नहीं आता है वो ध्यान से देख रहे हैं कि इसे कैसे बनाना है। दही कॉमन है, अगर किसी को दही चाहिए हो तो ले सकते हैं क्योंकि दही एक कॉमन इंग्रेडिएंट हमने दिया आपको। सिर्फ 2 मिनट बचे हुए हैं, चारों मेम साहब जो हैं वो समझ जाएं कि 2 मिनट में उन्हें सजावट का भी ध्यान देना है। जैसे हम कहते हैं कि फिल्म का ट्रेलर बड़ा बढ़िया था और फिल्म घटिया ना हो, तो टेस्ट तो ऐसी चीज है, जब आप उसे टेस्ट करेंगे बिल्कुल तब भी सारी चीजें खुल जाएगी कि सबसे अच्छा किसने बनाया। एब्सोल्युटली, बट प्रेजेंटेशन के भी मार्क्स हैं तो देखो, आंखें सबसे पहले किसी भी खाने को देखती हैं और उसका भोग करती हैं, तो आंखों का भोग अगर बढ़िया हो जाए तो अपने आप वो चीज भाने लगती है मन को। वाह, क्या बात कही है सेठी जी, यहाँ देखना चाहेंगे आप? हाँ जाइए। धनिया ऊपर से जब आता है तो पता नहीं बड़ा फ्रेशनेस सा एक फील आ जाता है। हाँ जी, ये श्रृंगार है, खाने का श्रृंगार किया जा रहा है जी। जैसे किसी भी व्यक्ति से अगर ओवरडू हो जाए अपना श्रृंगार जी, मेकअप, लाली, लिपस्टिक ज्यादा लग जाए तो वो भद्दा लगने लगता है जी, उसी प्रकार से खाना भी ओवर डेकोरेट हो जाए तो वो इतना अपीलिंग नहीं रहता है। सही कहा आपने, लगता है इनका तो हो भी गया तैयार। ओहो शिखा जी, फास्ट एकदम है, आज आप काउंट करिए मैं चाहूंगा। चलिए, अभी जो समय है वो लगभग 15 सेकंड रह गए हैं और 15 सेकंड में आप सिर्फ अपनी प्लेट को साफ कर लें, अपने हाथ पोंछ लें क्योंकि अब तक आपका खाना जो है वो तैयार हो जाना चाहिए था। और अब सिर्फ 5 सेकंड रह गए हैं, 4, 3, 2, 1 समय समाप्त। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ब्रेड भल्ला टेबल पे सजा हुआ है, सेठी जी हमारे शेफ
देख रहे हैं कि उन्हें कौन सा अच्छा लग रहा है। तो मैं चाहूँगा कि सिटी जी अब आप बताएं कि क्या लग रहा है आपको। सबसे पहले प्रियंका जी ने जो बनाया है इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? दही भल्ले में या किसी भी भल्ले में, चाहे वो ब्रेड भल्ला हो या दही भल्ला हो, बेसिक सेम रहते हैं कि भल्ले के ऊपर खूब सारी दही डाली जाती है, उसके बाद उसके ऊपर सौंठ की चटनी जिसे हम इमली की चटनी भी कहते हैं, फिर पुदीने की चटनी, और फिर सजाने के लिए सेव या लाल मिर्ची या भुना हुआ जीरा वो रखते हुए उसको अच्छे से डेकोरेट करना है। तो ये जो बेसिक है जिसका ये सही आ जाएगा, यानी कि खूब सारी दही उसके ऊपर चटनी स्वाद के लिए, बस उसी में स्वाद का मजा आ जाएगा। तो क्या लग रहा है आपको प्रियंका जी, कहाँ तक? देखिए कितने बढ़िया तरीके से, पहले तो इन्होंने दोनों जो भल्ले हैं उसको दही से कोट किया हुआ है, कहीं से भी ब्रेड नहीं दिख रही है जी। दूसरा, इन्होंने चटनी को सिर्फ ऐसे ड्रिजल नहीं किया है, उसको सलीके से लाइन लगा के दोनों तरफ हरी चटनी, बीच में इमली की चटनी और कैच के जो मसाले हैं वो ऊपर बुरकते हुए इन्होंने किया, और अनार के दानों से इन्होंने प्लेट को जो खाली स्पेस है उसकी, उसको भी इन्होंने कवर करने की कोशिश करी है, विच इज वेरी कलरफुल एंड अट्रैक्टिव। और मैं यही जजेस से पूछना चाहूंगा कि जजेस को प्रियंका जी की ये डिश कैसी लगी? मुझे थोड़ा दही ज्यादा लगा, लेकिन दही भल्ले भी हम खाते तो कई बार वो दही का अलग मज़ा होता है, और चटनी भी उन्होंने प्रॉपर बैलेंस करके रखी, तो वो मुझे अच्छा लगा। प्रेजेंटेशन वाइज मुझे पसंद आया, और मुझे ऐसे मन भी कर रहा था कि मैं चख के देखूं। मधु जी, दही भल्ले एक्चुअली मेरे फेवरेट हैं, तो मुझे बहुत टेम्पटिंग लग रहा था उनका डिश। इट्स वेरी प्रिटी, बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने डेकोरेट किया है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा उनका। वाह सेठी जी, आप प्लीज इसे बताइए कि इसका टेस्ट कैसा है। जैसा कि मैंने कहा था कि दही से पूरा कवर किया है जी, ब्रेड ने दही को अच्छे से सोख लिया जी, उसके बाद चटनियां, मसाले, दही को मीठा करना, कितना मीठा करना है, क्योंकि ज्यादा मीठा हो जाए वो भी बुरा लगता है जी, तो काफी बढ़िया लगा, चटपटा लगा, जो कि होना चाहिए एक स्ट्रीट फूड। तो जो मार्क्स आप देना चाहते हैं आप प्लीज लिख लीजिए उसे जी। ये डिश है शालिनी जी की। शालिनी जी के प्रेजेंटेशन आपको कैसा लग रहा है? शालिनी जी, आपने फ्रेशनेस लाने के लिए इस पे काफी सारा धनिया का इस्तेमाल किया, बीच बीच में अनार के दाने भी डाले हैं और येलो सेव भी डाली है, बड़ा अच्छा बैलेंस करने की कोशिश करी है आपने। इसमें भी ब्रेड के अंदर अच्छी से दही भी चली गई है, जहां से मैंने चखा वहां पे सौंठ की चटनी ज्यादा आई, और भी बढ़िया लगा, और भी चटपटा लगा। सिर्फ मुझे जो लग रहा है कि दही और डालनी चाहिए थी और ज्यादा हरा हो गया, बस यही मेरे दो पॉइंट हैं इसके लिए। स्वाद में मुझे किसी भी तरीके से कोई कमी नजर नहीं आई। क्या कहेंगे रश्मि जी? देखते वक्त मुझे भी लगा, एक्चुअली मुझे खाते वक्त ज्यादा धनिया पसंद नहीं है, उन्होंने इतना सारा धनिया डाल दिया था। हाँ, वो ग्रीन ग्रीन लग रहा था ना, चटनी दिख रही थी और दही भी बहुत ज्यादा नहीं दिखा। सैंडविच की तरह मुझे ब्रेड चाट लग रहे थे, बट मुझे ठीक लगा। मधु जी, मुझे भी ओके ही लगा। जैसे सबने कहा धनिया बहुत फैला दिया था, तो वो थोड़ा सा आंखों को चुभ रहा था, और चटनी और धनिया मिक्स हो गया, और दही भी मुझे कम लगा। इट वाज ओके। आपने टेस्ट तो कर लिया है, तो मार्क्स आप प्लीज लिख लीजिए। ये मैंने मार्क्स दे दिए इनको, और अब बढ़ते हैं आगे शिखा जी की तरफ। शिखा जी की डिश ब्रेड भल्ला तैयार है। शिखा जी, बनाते समय बहुत आगे थी सबसे, तो हमने बीच में ये कहा भी था कि दही किसी को कम पड़ रही हो तो वो कॉमन इंग्रेडिएंट है, आप ले सकते हैं। और आप जब चाट पापड़ी खाने जाते हैं तो आप देखते हो कि दही काफ़ी उस पर डाला जाता है, तो यहाँ दही की कमी नज़र आ रही है, ब्रेड आपकी दिख रही है, और ब्रेड ने सोख भी नहीं किया तो ब्रेड का स्वाद आ रहा है, भल्ले का स्वाद नहीं आ रहा। इतना होना चाहिए कि दही ब्रेड से बना है भल्ला या सही में दही भल्ला बना है पता ना चले। आपने प्लेट को कवर करने की कोशिश करी है चटनी के साथ, जो कि आपने अपना टैलेंट, एक कला होती है खाने को सजाना, वो आपने एग्जिबिट किया है, विच इज वेरी नाइस। दही की कमी के कारण ये थोड़ा सा स्वाद में एक नंबर पीछे चला गया। चलिए जानते हैं कि हमारे जजेस को कैसा लग रहा है। रश्मि जी, क्या कहेंगी? शिखा जी की प्रेजेंटेशन मुझे अच्छी लगी, जिस तरह से उन्होंने चटनी और सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सजाया, मुझे दही कम लगा बस। मधु जी, शिखा जी का मुझे ये डिश दही भल्लों की जगह सैंडविच लगा। डेकोरेशन अच्छा किया था, बट दही भल्ले नहीं लग रहे थे वो। अब चलते हैं सरिता जी के पास।
सबसे अलग डेकोरेशन है आपकी, तीनों रंग हैं वो नजर आ रहे हैं, पीला रंग सेब का, अनार का लाल रंग, चटनियां हरी, बड़े अच्छे से आपने बैलेंस तो किया है, पर कहीं सेंटर में सेब ज्यादा होने की वजह से पूरा ऊपर से टॉप अगर देखते हैं तो येलो हो गया, दूसरा इसमें भी दही की कमी रहेगी, और जो पानी में जब हम सोक करते हैं ब्रेड को वो ठीक से निचोड़ा नहीं गया, तो यू कैन फील कि अंदर तक दही ना जाके पानी रह गया, दही और होनी चाहिए थी। ओ रश्मि जी, मैं सर से अग्री करती हूँ, मुझे भी यही लगता है। मधु जी, आपका प्रेजेंटेशन मुझे अच्छा लगा, सिर्फ दही नहीं था उसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई, नहीं तो देखने में इतना खूबसूरत है, एक गलती की वजह से आपका मार्क कट रहा है। चारों मेम साहब ने अपना बेस्ट बनाने की कोशिश की, ब्रेड भल्ला बनाया और हमारे शेफ जी उसे टेस्ट किया और परखा और मार्क्स भी लिख दिए हैं। तो इसी के साथ किचन क्वीन राउंड पूरा हो चुका है, चारों मेम साहब का आज का स्कोर हम सारे राउंड्स के बाद एपिसोड के अंत में बताएंगे। ब्रेक के बाद देखेंगे चारों मेम साहब का बिंदास अंदाज। तो सर, थैंक यू वेरी मच, प्लेजर फॉर योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू, बड़ा अच्छा लगा सिटी जी। तो भूल के हर गम कीजिए खुद से इश्क और देखते रहिए एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 6 प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स पावर्ड बाय पार्ले टॉप स्पिन को पावर्ड बाय मोहिनी चाय। वेलकम बैक टू एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 6 प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स पावर्ड बाय पार्ले टॉप स्पिन को पावर्ड बाय मोहिनी चाय। सीजन 6 के दूसरे क्वार्टर फाइनल का मुकाबला जारी है और अब हम आ गए हैं अपने उस राउंड में जहां मेम साहब दिखाती हैं फैमिली वाला अंदाज, और इस राउंड का नाम है फैमिली का मैजिक, स्पॉन्सर्ड बाय मोहिनी चाय, मोहिनी पियो खुल के जियो। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का आखिरी राउंड फैमिली का मैजिक। तो ये राउंड है फैमिली का मैजिक और इसके लिए आप लोगों को मिलेंगे सिर्फ 1 मिनट। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ गेम के रूल्स और इसे कैसे खेलना है। मेम साहब यहाँ खड़ी होंगी, उन्हें इस मार्क से आगे नहीं जाना है और वो जो स्टिक है उससे इन्हें इमरती को उठाना है और उन्हें अपने पार्टनर को खिलाना है, और हाँ जब पार्टनर इमरती खाए तो वो इस इमरती को अपने हाथ से पकड़ के नहीं खाएंगे, उन्हें बिना हाथ लगाए उस इमरती को खाना है। जो मेम साहब का साथी सबसे ज्यादा इमरती खाएगा उन्हें उसी आधार पर 20, 18, 16 और 14 मार्क्स मिलेंगे। आप लोग तैयार हैं? तो फैमिली का मैजिक दिखाने हमारे बीच सबसे पहले आ रही हैं दरभंगा की प्रियंका बुबना जी और उनके पति देव अभिषेक बुबना जी। आपके साथी के आंख के ऊपर पट्टी बंदी होगी। अभिषेक जी, आपकी आंखें बंद रहेंगी। आप लोग का समय शुरू होता है अब। स्टार्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जलेबी मुंह तक आ रही है और हमारे अभिषेक जी मुंह खोल के बैठे हैं। संभाल के, हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये काउंट हो गई, इमीडिएटली दूसरी जलेबी लीजिए। बहुत बढ़िया। ये इमरती कह रही है कि अभिषेक जी मुझे खाइए। क्या बात, संभाल के बैलेंस करिए। यस, वेरी नाइस, पकड़ लीजिए। ग्रेट, वाह क्या बात है अभिषेक जी, वाह। लगता है आपने बहुत इमरतियां खाई हैं और एक्सपीरियंस बता रहा है। क्या बात, क्या बात। मुंह में छुआ के मत फेंकिए। समय समाप्त। काउंट करते हैं 1, 2, 3। रश्मि जी कैसा लगा आपको? मुझे शुरू में लगा था कि आप नहीं कर पाएंगे। प्रियंका जी बहुत टेंशन में थी लेकिन आपने काफी अच्छा साथ दिया इनका। जोरदार तालियां अभिषेक जी के लिए। मधु जी क्या कहना चाहेंगी? मुझे इनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा लगा दोनों का। कंसंट्रेशन से वो कर रही थी इसके लिए उनसे आराम से हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम।
आइए। फैमिली का मैजिक दिखाने वाली हमारी अगली जोड़ी है पटना की शालिनी सिन्हा जी और उनके पति देव शशि रंजन जी। आप दोनों का समय शुरू होता है अब। स्टार्ट। जल्दी, एक मिनट के अंदर आपको जलेबी खिलानी है, तो बढ़िया से बाइट ले लीजिए। अरे संभाल के, हमारी मेम साहब कहीं बदला तो नहीं ले रही है, इसी बात है खिलाए नहीं रही। जल्दी जल्दी, दूसरी दूसरी, बहुत बढ़िया। शशि जी आप अपना बैलेंस संभालिए, प्लीज घिरिएगा मत। मैं पहली बार देख रहा हूं कि हमारी मेम साहब, एक ऐसी मेम साहब आई हैं शालिनी जी, जो मजा ले रही हैं, पूरा बदला ले रही हैं। और समय समाप्त, समय समाप्त। रश्मि जी क्या कहेंगी आप? आपने देखा कि दो इमरती इन्होंने खाई है एक मिनट के अंदर। दो इमरती आपको मीठा खिलाने के चक्कर में आपकी बीवी ने कुर्सी पर बैठे बैठे आपको ब्रह्मांड घुमा दिया, पर ठीक है, एक बार गिरते गिरते बच्चे, फिर भी आपके पति ने बहुत अच्छा साथ दिया आपका, वेरी गुड। मैम मैं कुछ कहना चाहूँगी, मैं चाहती भी नहीं थी कि वो ज्यादा मीठा खाएं क्योंकि उन्हें डायबिटीज है। सेहत का ख्याल रखना बहुत। हाँ मैंने सेहत का ख्याल रखा इनका, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। चलिए मेम साहब का ये हुनर भी बहुत अच्छी बात है कि गेम से ज्यादा उन्हें अपने साथी के हेल्थ की फिक्र है। जोरदार तालियां। मधु जी क्या कहना चाहेंगी? शालिनी जी वेरी गुड, मैं बहुत खुश हूँ आपके इस चीज से कि उनको डायबिटीज है, इसलिए आपने उनकी सेहत का इतना ख्याल रखा। नहीं मार्क्स मिले चलेगा, पर उनकी हेल्थ को कुछ नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी नाइस, थैंक यू। शालिनी जी आप प्लीज पॉडियम पे पहुंचिए। और अब फैमिली का मैजिक दिखाने आ रही हैं कानपुर की शिखा शुक्ला जी और उनके भाई मैक्स जी की जोड़ी। आप दोनों का समय शुरू होता है अब। स्टार्ट। जल्दी, क्या बात है? वेरी नाइस, वेरी नाइस, राइट मैक्स, राइट मैक्स भाई, वेरी गुड, राइट राइट, यस राइट, वाह मैक्स भाई वाह। मैक्स भाई जरूर भरिएगा भारतीय टैक्स। मैक्स बाइट बाइट टैक्स, वेरी नाइस, बाइट बाइट, क्या बात है। दो इमरती अब तक ये खा चुके हैं, इनकी सेहत पे मत जाइए, ये बहुत कमाल के शख्स लग रहे हैं मुझे। वेरी नाइस, ग्रेट, वाह। समय भी बीतता जा रहा है, समय का भी ध्यान रखना है। बाइट बाइट, बहुत बढ़िया, ग्रेट, क्या बात है। और सिर्फ 5 सेकंड बचे हुए हैं और एक इमरती जो ठीक गिर गई, लेकिन फिर भी शिखा जी हार। शिखा जी समय समाप्त। मधु जी क्या कहेंगी? मुझे इनका समझाने का तरीका बहुत अच्छा लगा। शी वॉज वेरी नाइस, नजदीक लेके जाती थी और बोलती थी अपने भाई को नाउ बाइट। दैट वॉज वेरी नाइस कि इनको पता था कि हाँ ऐसे ही मुंह जबरदस्ती खोल के नहीं रखे, परेशान नहीं हो मेरा भाई, इसके लिए प्रॉपरली समझा के उन्होंने गेम खेला। इट वॉज वेरी नाइस, मुझे मजा आया, पूरा ट्रेन करके रखा है आपने। रश्मि जी क्या कहेंगी? बहुत अच्छे से आपने उन्हें इमरती उनके मुंह के पास रखी और कह रही थी आप बाइट बाइट, उसे काफी हेल्प मिली। और आपके भाई खाने में बहुत एक्सपर्ट है, फटाफट मुंह खोल के बाइट मार के बहुत खाता है। चलिए जोरदार तालियां इस जोड़ी के लिए। आइए शिखा जी। और अब फैमिली का मैजिक दिखाने हमारे बीच आ रही है आज की आखिरी जोड़ी, गाजियाबाद की सरिता शर्मा जी, जिनका साथ देंगे उनके देवर संदीप जी। गब्बर फिल्म के विलन लग रहे हैं, आधी आंख आपकी बाहर है तो उसको ढाक दीजिए। कान्या सिंह, तो
आप दोनों का समय शुरू होता है अब। स्टार्ट। क्या बात है, हाय हाय। इमरती का इमरता हो जाएगा। आपको एक बाइट लेनी है, चखने से काम नहीं चलेगा। चखना 8:30 बजे लिया जाता है रात को। बाइट बाइट। अच्छे से। बहुत बढ़िया, अच्छे से। इतना बड़ा बाइट मत ले। इमरती को छपती है। वेरी गुड, इट्स वेरी टेस्टी। बहुत बढ़िया, जल्दी समय का भी ध्यान रखना है। वेट 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 वेट। हाँ। क्या बात है, कम से कम उसको तोड़िए, उसको खाइए। इमरती टूट भी नहीं रही है। वेरी गुड, वेरी नाइस। और सिर्फ 4 सेकंड बचे हैं, समय समाप्त। रश्मि जी कैसा लगा? आपका इमरती खाने का तरीका बहुत अच्छा था। और आपके कितने देवर हैं? 2 ही हैं, जो मेरे छोटे देवर हैं, बाकी तो सब मुझसे मेरे घर में बड़े ही हैं, मेरे हस्बैंड से। चलो लकी है आप तो, काफी 2 देवर हैं तो काफी कुछ आप काम करवा सकती है हक से। बस इतना ही कहूंगी, आपके इमरती खाने का जो ये कला था बहुत अच्छा लगा मुझे। मधु जी, भाभी कुछ खिलाती नहीं है, आप इतने पतले हो। बहुत कुछ खिलाती है इसलिए इतना पतला हूं। एक साथ हजम होके फुर। जी बहुत अच्छा लगा आपका तरीका। Thank और you. आप लोग काफी फास्ट थे, वेरी नाइस। चलिए, वेरी नाइस। आज सबसे ज्यादा 5 इमरती खाकर 20 मार्क्स के साथ गाजियाबाद की सरिता शर्मा जी और उनके देवर संदीप जी की जोड़ी बन गई है बिंदास जोड़ी। आपको मिलता है मोहिनी चाय की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। तो भूल के हर गम कीजिए खुद से इश्क और देखते रहिए एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 6 प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स पावर्ड बाय पायलट टॉप स्पिन को पावर्ड बाय मोहिनी चाय। वेलकम बैक टू एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 6 प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स पावर्ड बाय पायलट टॉप स्पिन को पावर्ड बाय मोहिनी चाय। इसी के साथ आज के सारे राउंड्स खत्म हो चुके हैं। पहले राउंड सुपरस्टार मेम साहब, दूसरे राउंड किचन क्वीन और तीसरे राउंड फैमिली का मैजिक में किस मेम साहब को कितने स्कोर मिले हैं ये हम आज नहीं कल होने वाले एपिसोड में बताएंगे, लेकिन आज किसे सबसे ज्यादा अंक मिले हैं ये जान लेते हैं। सबसे ज्यादा मार्क्स के साथ जो आज पार्ले टॉप स्पिन टॉप स्कोरर है उनका स्कोर है 51 मार्क्स और वो है गाजियाबाद की सरिता शर्मा जी। आप बन गई हैं एक्सपर्ट मेम साहब। आज की एक्सपर्ट मेम साहब को हमारे जजेस की तरफ से मिल रहा है एक्सपर्ट बैच। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट द जजेस। सीजन 6 के दूसरे क्वार्टर फाइनल का आज पहला दिन है। कल होने वाले मुकाबले के बाद इन 4 मेम साहब में से कोई 3 सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी और कोई 1 यहां से विदा हो जाएंगी। तो मैं चाहूंगा कि हमारे जजेस हमारी चारों मेम साहब का हौसला बढ़ाएं और कल होने वाले मुकाबले के लिए इनको कुछ कहें, इनका हौसला बढ़ाने के लिए कुछ कहिए प्लीज। कल का दिन नया दिन होगा। आज कुछ पॉइंट से हर एक इंसान पीछे रह गया है, लेकिन कल इन चीज़ों को आप वापस अच्छा कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। सो आई विश ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारो। रश्मि जी,
अगर देखने जाए तो एक से बढ़ के एक है, किसी में कुछ अच्छाई थी, किसी ने कहीं और मार्क्स कमाए, कोई अचानक से आगे निकल गया और किसी से बेहद उम्मीद थी और उसमें खरा भी उतरा। तो आने वाला राउंड बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और दो कदम दूर है आप बिग मेम साहब सीजन 6 के विनर बनने के लिए। अगर आपने एक छोटी सी भूल की आप गेम से बाहर चले जाएंगे। ऑल द बेस्ट, गिव योर बेस्ट। आप सभी को एक बार फिर से बता देना चाहूंगा सीजन 6 का दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला चल रहा है। आज और कल दोनों दिन के परफॉर्मेंस के आधार पर जिन तीन मेम साहब को मिलेंगे सबसे ज्यादा मार्क्स वो सेमीफाइनल में जगह बनाएंगे और एक मेम साहब इस मंच से विदा हो जाएंगे। अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात इनके अलग अंदाजों के साथ। तो फिलहाल विनय आनंद को दीजिए इजाजत, भूल के हर गम कीजिए खुद से इश्क और देखते रहिए एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 6 प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स पावर्ड बाय पार्ले टॉप स्पिन को पावर्ड बाय मोहिनी चाय एसोसिएट स्पॉन्सर कैच सॉल्ट एंड स्पाइसेस ब्यूटी पार्टनर सुपर वेस्ट मॉल 33 केश काला ज्वेलरी पार्टनर सेंको गोल्डन डायमंड्स हेल्थ पार्टनर डाबर दशमुला रिश्त। तो जाते जाते आज का एक्सपर्ट मोमेंट ऑफ द डे। गुड नाइट, शबा खैर।